आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन है। परसों तीन दिन का ये जो कार्यक्रम है ये आज शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। भूमि पूजन को भव्य रूप देने के लिए स्थानीय प्रशासन हर संभव कोशिश में जुटा है। भूमि पूजन को लेकर अयोध्या के स्थानीय लोगों के अलावा भक्तों में खासा उत्साह है। पांच अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या तैयार हो गई है। 3 अगस्त यानी आज से अयोध्या में सुबह 8 बजे से पूजा शुरू हो रही है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गौरी गणेश जी की पूजा होती है। ये पूजा राम जन्मभूमि परिसर में होगी। आज सीएम योगी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शाम 5 बजे तक अयोध्या में रुकेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का यह दौरा कल होना था, लेकिन लखनऊ में कैबिनेट मंत्री कमला रानी के निधन के बाद दौरा रद्द करना पड़ा था। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पूरे शहर को चमकाया जा रहा है। चारों तरफ टेंट, स्पीकर, लाइट्स लगाकर उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। पूरे अयोध्या में लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, जिससे लोग अपने घर पर ही बैठकर कार्यक्रम की कमेंट्री और प्रधानमंत्री मोदी को सुन सकेंगे। कोरोना काल के चलते राम मंदिर के भूमि पूजन में भीड़ कम से कम रखी जाएगी। कार्यक्रम स्थल के पास भीड़ ज्यादा ना हो, इसके लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोरोना को ध्यान में रखते हुए घर से बाहर ना निकले और घर में ही टीवी पर भूमि पूजन के कार्यक्रम का आनंद ले। आज से शहर में भारी लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा और कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने भारी लोगों को शहर में आने पर रोक लगा दी है। श्रावण पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या में भारी मात्रा में श्रद्धालु बाहर से आते हैं। अगर भीड़ शहर के अंदर आएगी तो लोगों को शहर से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अयोध्या में भारी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। शहर के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको आई कार्ड दिखाकर शहर में एंट्री दी जाएगी। कल शाम 4 अगस्त को रामार्चन होगा। इस पूजा को 11 पंडित करवाएंगे। 4 अगस्त को अयोध्या के मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ भी शुरू होगा। कुछ स्थानों पर भव्य कीर्तन भी होंगे। इसके अलावा रात में दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे सरयू के घाट पर लाखों दीप जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही पूजा शुरू हो जाएगी। इसे वेदी पूजा कहते हैं। ये पूजा सुबह 8 बजे शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।